तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए फ्रेश ब्लॉग में। तो सबको लग रहा होगा शायद मैंने यूट्यूब क्वाइट कर दिया या फिर यूट्यूब मैंने छोड़ दिया। वही एक चीज़ हिंदी इंग्लिश में बता रहा हूँ, हालांकि कोई टेंशन की बात है नहीं। तो बहुत दिनों बहुत महीनों के बाद अपना ब्लॉग आ रहा है। हालांकि हमने सोचा ये बहुत दिनों बहुत महीना हो गया लेकिन साल तो नहीं होने देंगे, इसलिए अपन निकल पड़े हैं ब्लॉग बनाने के लिए। भुवनेश्वर जा रहे हैं, देखते हैं उस तरफ से कहीं घूमने को प्लान बनेगा तो वो ब्लॉग भी बन जाएगा। हालांकि वैसे भी मतलब ये बारिश का मौसम है, मतलब ब्लॉग बनाना थोड़ा बहुत मुश्किल है और घर से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है, जिनको पता है जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हालांकि ऐसे नॉर्मल लोगों को भी पता होगा जैसे बाहर निकलने में कितना मुश्किल आ रहा है ये बारिश के मौसम में। हालांकि आज थोड़ा उतना बारिश वाला मौसम है नहीं लेकिन धूप भी नहीं है, ऊपर बादल नहीं ना, इसी वजह से शायद लग रहा है बारिश वारिश नहीं होगा। इसी वजह से अपन निकल पड़े हैं भुवनेश्वर की तरफ। और सब लोग बताओ जनता कैसे हो, सब लोग की सेहत सब बढ़िया है तो एकदम चंगा। हालांकि अपन में तो बीच में अपना सेहत ही बहुत खराब हो गया था, बुखार मुखार सर्दी जुकाम सब कुछ आ गया था एक साथ। कम एक हफ्ता दो हफ्ता अपन बेड में ही बस सोया था और उसी वजह से जब एक हफ्ता दो हफ्ता बेड में सोया था फिर अपन ये जो बारिश लगातार हुआ ना, लगातार बहुत भयंकर हुआ, उसी वजह से अपन सोचा नहीं फिर से बीमारी में नहीं पड़ने का है, थोड़ा मौसम को ठीक होने देते हैं फिर ब्लॉक करेंगे। तो वैसे भी कुछ दिनों से तो ऐसा बारिश चल रहा है, ऐसा बारिश चल रहा है, मतलब बारिश तो बारिश चल रहा है, उसके बिजली जो कड़क रहा है भाई भयंकर, बाहर निकलने में फट रही है भाई, बहुत भयंकर बिजली मार रही है, बस जैसे लग रहा है अगल बगल में मार रहा है। तो ये अपन कटक क्रॉस कर चुके हैं, कटक को कटक क्रॉस करने के बाद यहाँ तो ये रास्ते में थोड़ा कुछ दो तीन किलोमीटर जैसे थोड़ा जाम रहता है क्योंकि पीछे ट्रैफिक रहता है ना, उधर से छोड़ता है तो उसी वजह से थोड़ा जाम रहता है। और कसम से अभी एक कोई खींचने वाला मिल जाए ना थोड़ा मज़ा आ जाए, बहुत दिनों के बाद मतलब आ रहे हैं ब्लॉगिंग व्लॉगिंग में, थोड़ा कोई खींचातानी करने को आ जाए तो थोड़ा औकात में दिखा देंगे अपन भी। कोई भी आ जाए इस टाइम, क्योंकि इस टाइम सीसी मैटर तो करता है लेकिन उतना भी मैटर नहीं करता है, मैं इनिशियल थोड़ा मैटर करेगा और थोड़ा स्किल पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अपन हालांकि अकेले में जब रहता है उतना अपन मतलब कटसट मारता नहीं, अकेले में क्या मरेंगे। हाँ कोई अगर हमसे भिड़ना चाहता है तो तब जाके कटसट मारते हैं भयंकर, क्योंकि अपन बस ज़रूरत के टाइम कटसट मारेंगे, खाली फोकटिया नहीं मारेंगे। हालांकि लेकिन देखने को मिल रहे हैं बहुत, अभी मतलब देखा मैंने रिटर्न वो वाला रिटर्न रास्ते में बहुत मिल रहे हैं, वो जो ड्यूक वाले R15 वाले बहुत जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, खींचातानी करके जा रहे हैं। मैं वही सोच रहा हूँ चाहे वो बनते सब इस लाइन पे आ जाए मिल जाओ ना भाई, पहल देंगे। और अगर जो बोल रहे भाई R15 हमको पहल देगा भाई, पहले ये कौन सा मॉडल वाला है वो तो सुन लो, BS6 थोड़ी है मुन्ना, BS3। कि अपन बहुत दिनों से अपना चैनल तो मतलब वीडियो भी छोड़ नहीं रहे थे, शायद डेढ़ हो गया होगा। अभी आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब वीडियो को शेयर मेयर कर दो, लाइक कमेंट शेयर कर दो, शेयर जितना चाहे उतना कर सकते हो, जितना चाहे उतना करो। मुझे लग रहा है कोई डेढ़ हो गया होगा, फिर से जिंदा करवाना होगा चैनल को, क्योंकि हालांकि थोड़ा डिमोटिवेट होता हूँ किस वजह से, थोड़ा आप लोगों का प्यार बहुत कम मिल रहा है भाई, लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब लाइक करोगे थोड़ा हमको भी खुशी होगा, नहीं लोगों को पसंद आ रहा है। अगर पसंद नहीं आ रहे तो भाई बताओ किस चीज़ पे पसंद नहीं आ रहा है, हम उस चीज़ को भी सुधार लेंगे, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है तो आपके पसंद से बनाई जाएगी। XUV 700 ये बढ़िया मॉडल है, डैशबोर्ड इसका जबरदस्त है भाई, मस्त मॉडल है, ये वाला गाड़ी पसंद है XUV 700।
डैशबोर्ड पूरा है, पूरा प्लेन डिस्प्ले टीवी की तरह पूरा इधर से म्यूडल से पूरा स्टार्टिंग तक दिया है। इंडिकेटर भी दे दोगे तो तुम्हारा स्पीडोमीटर में कैमरा से ऑन हो जाएगा, पीछे देख सकते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया फ्यूचर है उसमें, फ्यूचर सब बढ़िया है। अभी तो इतना जाम मिल रहा है, मुझे जो लग रहा है हंसापार जो आगे एक है उधर बहुत जाम रहता है, बहुत जाम रहता है, क्योंकि ऊपर फ्लाई ब्रिज बन रहा था। अभी तक बन चुका है ये, अभी तक बन चुका है या नहीं वो तो मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन पहुंचने के बाद पता चलेगा, क्योंकि बहुत महीनों के बाद आ रहा हूं ना, इसी वजह से पता नहीं है फ्लाई ब्रिज बन गया है कि नहीं। अगर बन गया है तो मस्त खाली खाली जाएंगे, अगर नहीं बना होगा तो नीचे बहुत जाम रहेगा, बहुत जाम, हद से ज़्यादा। और ये अपन पहुंच गए हैं पहाड़ों के बगल में, और ये साइड में जो दुकान सब पहाड़ में मिले, यहाँ का रसगुल्ला बहुत फेमस है, मतलब रसगुल्ला उड़ीसा का बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ का जो रसगुल्ला है बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ज़बरदस्त भाई। एक बार अगर कोई उड़ीसा में रहते हो या कहीं अगल बगल में रह रहे हो पहाड़ों के, भुवनेश्वर के आसपास, एक बार आके खा के देखो भाई, फिर बताना, गजब ही टेस्ट आएगा यहाँ का। और कटक के आगे चंडीगढ़ के पीछे छतिया है, छतिया उधर का भी रसगुल्ला बहुत बढ़िया लगता है भाई, बहुत मतलब मक्खन जैसा स्मूथ है। आधा आधा रसगुल्ला क्या है ना, वो थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन नहीं ये वाला मक्खन स्मूथ, पूरा स्पंज जैसे खाओगे, पूरा दबा के खाओगे। और समझ लो अपन पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मतलब ऑलमोस्ट अपन पहुंच गए हैं भुवनेश्वर, भुवनेश्वर नहीं भुवनेश्वर। और ये आगे अपना रह गया बाणी विहार, बाणी विहार से अपने को जाना है लेफ्ट साइड, नीचे से जाना है, हालांकि अपन को यही नीचे से जाना है। देता काफी पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी, तीन बटन से भार छा